हेलो दोस्तों, पाचनक्रिया दुरुस्त बनी रहे तो आपको हाथ से खाना खाना शुरू करना चाहिए। टच हमारी बॉडी का एक ऐसा संवेदनशील अंग है जो कि हमारी बॉडी को और भी ज्यादा सक्रिय बनाता है, साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हम जब भी अच्छे तरीके से हाथों से भोजन करते हैं तो ये हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए निरंतर हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजता रहता है। जी हाँ, जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो उस समय हमें खाने को देखना पड़ता है, हम कितना निवाला बना रहे हैं उसको जज करना पड़ता है, हम खाने को कितनी दूरी से अपने मुंह के अंदर ला रहे हैं उस चीज को भी देखना पड़ता है। इसे हम माइंडफुल ईटिंग भी कहते हैं और यह ईटिंग हमें चम्मच और कांटे से खाने के दौरान होने वाली ईटिंग से ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग करते समय हमारा दिमाग अच्छे तरीके से काम कर पाता है और हम सारी चीजों को समझने में सक्षम हो पाते हैं। टिप नंबर 3, ये आपके मुंह को जलने से बचा सकता है। जी हाँ, जब भी हम चम्मच या छुरी कांटे से खाना खाते हैं तो अक्सर खाने का तापमान ज्यादा होने की वजह से भी हमें पता नहीं चलता है और गर्म खाना खा लेने की वजह से हमारी जुबान जल जाती है, लेकिन यदि हम हाथों से खाना खाते हैं तो हमें अच्छे तरीके से तापमान का पता होता है, इसीलिए हम सही तापमान पर आने के बाद ही खाने को ग्रहण कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जुबान जलने से बच जाती है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से हाथों से खाना खाना भी हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए।